नहीं सीखा। हमारे सारे फिजिक्स के टीचर बोलते थे बच्चे किसी के नहीं होते, सब बोलते थे हम लोग याद नहीं। टिपिकल है, थोड़ा सा लॉजिकल है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैशियस एटम। जरा जल्दी से देखते हैं, मान लें हमारे पास एक आयरन सॉलिड है। आयरन किस स्टेट में होता है? हमारे पास सॉलिड स्टेट में। अगर मैं इस आयरन को हीट करूंगा, तो क्या डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसमें से? नहीं। क्या होगा ये बेटा, बोलते जाओ, मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। यस सुनो, यस सुनो। अगर मैं फर्दर हीट करूंगा, तो फिर ये इसमें लिक्विड की जो फोर्सेस है वो भी ब्रेक होंगी, यहां तक कि आयरन किस स्टेट में चला जाएगा? गैशियस स्टेट में। अब जब गैशियस स्टेट में चला गया और तमाम फोर्सेस ब्रेक डाउन हो गई, अब जब मैं फर्दर एनर्जी दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, तो वो एनर्जी एटम तक जाएगी, और जब वो एनर्जी एटम तक जाएगी तो आयरन में से एटम इलेक्ट्रॉन गेन, एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर ये जो एनर्जी मैंने दी ना, ये कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। इज दैट क्लियर? ये वाली एनर्जी आयोनाइजेशन नहीं कहलाएगी। यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है क्या कहलाती है? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जो मैंने हेसेस लॉ वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी चूंकि इस वक्त हमारा टॉपिक है, तो आयोनाइजेशन क्या कहलाएगी बेटा? यहां इस स्टेप पर जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की, यहां पर, इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई मसला तो नहीं है बेटा? मुझे जल्दी जल्दी जवाब चाहिए। ओके, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा पा रहे हैं, तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक नहीं होगी? बोलो बेटा। क्योंकि हम हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। कोई मसला? ओके बेटा, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते जाओगे ना, फिर मैं तेज तेज आगे बढ़ूंगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसीलिए डेफिनेशन में क्या लिखा हमने? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैशियस एटम। क्योंकि सॉलिड से आप निकाल नहीं सकते, आपको गैशियस स्टेट में लेके जाना ही पड़ेगा, इसलिए गैशियस होना लाजमी है। अच्छा, उसके बाद हमेशा एंडोथर्मिक होगी, ये बात भी समझ में आ गई। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ आईपी, टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। टाइप्स क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी की, वो देख लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी कैटेगराइज एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जरा पूरी डेफिनेशन अगर मैं समझाऊं, तो अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, तो किसमें से निकालोगे? एटम में से। पहला इलेक्ट्रॉन किसमें से निकालोगे? एटम में से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैग्नीशियम की एग्जाम्पल दे दूं, तो मैग्नीशियम एटम में से गैशियस स्टेट में ले जाओगे और पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे। क्या ख्याल है? पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो गैशियस एटम ऑफ मैग्नीशियम में से निकलेगा। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन एमसीक्यू में आती है कि कौन सी सही रिप्रेजेंटेशन है। तो मैग्नीशियम सॉलिड पे सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, मैग्नीशियम गैशियस पे होगी। तो मैग्नीशियम गैशियस पर होगी, तो मैग्नीशियम गैशियस एटम जो है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई मसला तो नहीं है। लेकिन जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा बच्चों, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? एटम से निकलेगा या पॉजिटिव आयन से निकलेगा, जिसमें से ऑलरेडी एक निकल चुका है? पॉजिटिव आयन। ये बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है बच्चे, कौन सी इक्वेशन में चले जाते हैं? देखो ये वाली, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस टू इलेक्ट्रॉन, बच्चे इस इक्वेशन पे चले जाते हैं। क्या ये सही इक्वेशन होगी आईपी के लिए, सेकेंड आईपी के लिए? बोलो बेटा, क्यों, क्या गलत है इसके अंदर? कि सेकेंड आईपी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, नॉट टू इलेक्ट्रॉन्स। कंफ्यूजन हो तो मुझे रोकना, सादिया हुमेरा तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ नहीं है। क्या कहा मैंने? कि सेकेंड आईपी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी नहीं है, दोनों में फर्क है। इसी तरह अगर मैं सेवेंथ आईपी लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? सेवेंथ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्सियम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैल्शियम में से पहले से कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे? जजाक अल्लाह बेटा, कैल्शियम में से कितने इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुके होंगे? सिक्स। और अब आप सातवां इलेक्ट्रॉन निकालोगे और ऐसे लिखोगे, यस और नो? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन समझ में आती है? यस सर। जी सर। पंखा चला लो ना, चल रहा है क्या?
अच्छा, यहां तक रिप्रेजेंटेशन में कोई मसला नहीं है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का सही होना चाहिए। अब आ जाते हैं सवाल, एग्जाम में पूछता है एक्सप्लेन, सवाल मैं खुद ही बना रहा हूं, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एटम। चैप्टर थ्री का रिवीजन हो रहा है, चैप्टर थ्री का कहता है एक्सप्लेन करें किस चीज को, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को। सक्सेसिव एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई, एक एटम में 12 इलेक्ट्रॉन है, आपने पहला निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, निकालते निकालते सारे निकाल दिए, ये जो डेटा है ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा कहलाता है। सक्सेसिव का मतलब आप पहले इलेक्ट्रॉन से आखिरी इलेक्ट्रॉन तक सारे इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें। मैं एग्जांपल ले लेता हूं ताकि समझाना आसान हो जाए, कोई एटम बताओ जिसकी एग्जांपल चाह रहे हो मैं दे दूं। कैल्शियम, चले मोहतरमा ने कहा कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20। सबसे पहले कॉन्फिगरेशन कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6, कॉन्फिगरेशन सबको आती है जी सर? यस सर। 4s2। तो अब आप देखिए जो लास्ट शेल है वो ये वाला है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, पहले अंदर वाले शेल से, पहले बाहर वाले शेल से, लास्ट शेल से? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा, लास्ट शेल से। इसका मतलब ये हुआ कि पहला इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे 4s से, दूसरा भी आप निकालेंगे किससे, 4s से, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे वो इनर शेल से निकलेगा। यस और नो, कोई मसला तो नहीं है? अब अगर तुम लोगों को याद हो पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया था, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर, रेहा बेटा बोलना पड़ेगा बेटा, हुमैरा रेहा सादिया, मेरी एनर्जी ना इसलिए डाउन हो जाती है, तुम लोग बिल्कुल जो खामोश हो जाते हो ना फिर मेरा बीपी बढ़ने लगता है, बोलते रहो जरा इंटरेक्टिव बनाओ। इफेक्टिव चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज। अब देखो बेटा, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। यस और नो? यस सर। स्क्रीन आ रही, चली गई? चली गई। एक मिनट होल्ड करो। अब आ गई जी सर? यस सर। अब तवज्जो रखना बेटा, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला बिलफर्स, ठीक है ना, तो पहले थे कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन थे, 20 इलेक्ट्रॉन थे, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन अभी भी 20 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 19, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब 19 हो गए तो इसका मतलब है कैल्शियम पे क्या आ जाएगा, चार्ज ऑफ +1। तो अब क्या कहेंगे, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने एनर्जी दे के जैसी जैसी, अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने रह जाने वाले हैं 18। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो एनर्जी उतनी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, ज्यादा। लॉजिक क्या होती है इसकी बेटा, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, मुझे हुमैरा और सादिया का इनपुट चाहिए, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे क्या वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता नहीं जाएगा? यस सर। और जैसे जैसे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाते जाएंगे, न्यूक्लियस जो है ज्यादा पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो क्या एटॉमिक साइज छोटा नहीं होता जाएगा? Yes, और जब एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल नहीं होता जाएगा? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? रीजन सारे यही है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट उस वक्त तक सेम रहेगा जब तक शेल चेंज नहीं हो रहा, एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा छोटा होता जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के जो फील्ड है उसमें ज्यादा से ज्यादा फंसते चले जाएंगे और उनको निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, एवरी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज मोर देन द
प्रीवियस, यस और नो, या प्रायर वैल्यू? पहली वाली से हर अगली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी. क्या मतलब? अगर इसको कंक्लूड करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लीस्ट होगी, उससे ज्यादा सेकेंड होगी, उससे ज्यादा थर्ड होगी. यस और नो? एंड दिस विल गो ऑन लाइक दिस. इज दैट क्लियर? यस सर. अब होता क्या है, देखो पहले इलेक्ट्रॉन निकाला तुमने 4s2 से, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाला 4s2 से, तो इसमें तो थोड़ा सा चेंज आएगा. लेकिन जब तुम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो इनर शेल से निकलेगा. इनर शेल का मतलब क्या हुआ? सडनली न्यूक्लियर चार्ज तो बड़ा ही बड़ा. कौन है? सोया लिखा. सडनली न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही, लेकिन डिस्टेंस एकदम से क्या हो जाएगा? कम. तो जो न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है, उसका जो इंपैक्ट है वो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, देखो ग्राफ में समझाता हूं. ये ग्राफ चैप्टर 3 में भी था. ग्राफ भी आता है एग्जाम में और वो भी आता है, क्या नाम है इसका, टेबल. क्या होगा बेटा? देखो पहला इलेक्ट्रॉन मान लो तुमने निकाला यहां से, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तुमने, ये एनर्जी वैल्यूज है, समझना. दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी लगेगी, यस और नो? यस सर. लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से एबनॉर्मली हाई हो जाएगी. और क्या रीजन है मेजरली इसका? रीजन ये है कि न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बड़ा है, लेकिन इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकला है, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वो सडनली बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ गया है. यस और नो? फिर आप इस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां तक आपने निकाल दिए. अभी देखो स्लो स्लो बढ़ते जा रहे हैं, एक ट्रेंड में बढ़ते जा रहे हैं. और उसके बाद जब आप फिर थर्ड के बाद और अंदर आएंगे शेल और चेंज होगा, तो फिर आउट ऑफ द प्रोपोर्शन इंक्रीज आएगा. यस और नो? यस सर. समझ में आ रहा है? तो जहां पर भी जंप आती है सडनली, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन इनर शेल से निकला है. अगर ग्राफ बना हुआ आ जाए इस तरह का, और एग्जामिनर तुमसे पूछे कि भाई बताओ इस एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बता दोगे 2 इलेक्ट्रॉन है. यस और नो? कैसे पता चला? क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन इंक्रीज से हो रहा है, इसका मतलब है वो इनर शेल से निकल रहा है. यस और नो? एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है. वो सवाल पूछेगा ए और सी का ट्रेंड एक्सप्लेन करो, तो आप नॉर्मल बात बताओगे. जब वो पूछेगा ए और बी का ट्रेंड एक्सप्लेन करो, तो आपको जिक्र करना होगा कि शेल इनर वाला आ गया है, जिसकी वजह से डिस्टेंस कम हो गया. अगर आपने डिस्टेंस का फैक्टर यहाँ इन्वॉल्व नहीं किया तो आपका आंसर काउंट नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जो इंक्रीज एक्सप्लेन कर रहे हो किस पे कर रहे हो? डिस्टेंस के फैक्टर. यस सर. यस सर. इसी चीज को वो टेबल में भी देता है. टेबल में कैसे देता है? ऐसे उसने एक टेबल बनाया हुआ होता है. सारा चैप्टर 3 पढ़वा लो तुम लोग का मखसूस. ऐसे उसने एक टेबल दिया होता है, यहां लिखा होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 600, यहां लिखता होता है 2 इलेक्ट्रॉन 1300, यहां लिखा होता है 3 इलेक्ट्रॉन 1900, यहां लिखा होता है 4th इलेक्ट्रॉन 3200, है जी, और फिर 5th इलेक्ट्रॉन वो 3800, 6th इलेक्ट्रॉन, इस तरह से डाटा दिया हुआ होता है. ठीक है, 4500, ठीक है, इस तरह का डाटा दिया होता है. अब आपसे कहता है भाई इस डाटा में एक्सप्लेनेशन दें. कुछ नजर आ रहा है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो एटम जिसका डाटा दिया हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी का, ये कौन से ग्रुप का है, तो बता सकते हो? सर, ग्रुप 3. जी बेटा, बाकी लोगों का भी आंसर चाहिए? सर, ग्रुप 3 सर. कैसे बता दें? जोया तुम आ गई हो क्लास में? जी सर, सॉरी फॉर दैट. कमाल है भाई, तुम्हें समझ में आ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी? तुमने पढ़ा था पहले मुझसे? जी सर, पहले. आपने क्या देखा? यहाँ 600 से 700 की वैल्यू का चेंज आया, यहाँ भी रफली उतना ही चेंज आया. यहाँ सडनली आपने देखा क्या? लॉन्ग जंप आ गई है. इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबली इनर शेल से रिमूव हुआ है. यस और नो? यस सर. ये ट्रेंड पूरा सबको, सब कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? अब आ जाओ,
अब हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ने वाले हैं. वैसे पहले मैं ट्रेंड इन ग्रुप बता देता हूं. ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा बोलो डा, ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा? अगर मैं मिसाल के तौर पर कहूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, रेडियम, यहां चार, यहां पर 12, 20. हाँ भाई, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है कम होता है? अच्छा बढ़ता है, इंक्रीज हो रहा है. सबका जवाब चाहिए. एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाते हैं? डिक्रीज. डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? कम. शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है. तो क्या ख्याल है, जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो अंडर मोर स्ट्रेस जा रहे हैं या अंडर लेस स्ट्रेस जा रहे हैं ऑफ न्यूक्लियस? सर लेस. लेस, क्योंकि अंदर से उनको धक्का ज्यादा मिल रहा है शील्डिंग का और अट्रैक्शन कम हो रही है. शादिया बात समझ में आ रही है? जी सर. तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा डिफिकल्ट? इजी. तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज बढ़ेंगी या कम होंगी? बोलो बेटा. आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होंगी. नहीं समझ में आया क्या? रीजन क्या है? एवी मूव गो डाउन, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जिससे डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. लिया बात समझ में आ रही है? यस सर. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, अंदर से रिपल्शन बढ़ रही है. देयरफॉर लेस एनर्जी is required to remove electron. क्या हो जाता है इसमें? स्क्रीन चली गई. हाँ पता है मुझे. सर फोन का क्या बना, सही हो क्या? हाँ यार, 30,000 की स्क्रीन डलवाई है. मोबाइल अपना है तो करा ली चेंज. लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. एग्जामिनर सवाल कैसे देगा? सवाल ये देगा भाई, why ionization energy of magnesium is less than that of calcium? जवाब दे दोगे? ये कीवर्ड्स आ गए, कोई मसला तो नहीं. सवाल है तो अभी पूछो बेटा, आगे चल रहा हूँ. सर क्या क्वेश्चन है? मैंने कहा why ionization energy of magnesium is less than that of calcium. ग्रुप ट्रेंड होगा ना, ये कीवर्ड से एक्सप्लेन कर दोगे भाई. क्लियर है? सोमेरा ओके, आगे चल. ट्रेंड इन पीरियड, असल में ये पढ़ना था. ट्रेंड इन पीरियड, इतना कुछ इजाफी हो गया. इसके अलग पैसे होंगे. ट्रेंड इन पीरियड बेटा, ट्रेंड इन पीरियड अगर इन जनरल बात करें तो अगर आप गौर से देखिए तो अगर हम ग्रुप थ्री की एग्जाम्पल, सॉरी प्री पीरियड थ्री की एग्जाम्पल ले लें, जो बार बार मैं बताता हूं कि पीरियड थ्री कहां से शुरू हो रहा है? सोडियम. हाँ भाई, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन और फिर आर्गन. अब अगर इस पीरियड में बात करें तो पहला ये 11 है और ये 18 है. कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो उस दिन भी मैंने बताया था
1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. तो आप देखिए, आप पूरे पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर गए. शेल कौन सा है? थर्ड शेल ही है. यस और नो? जोया नजर आ रहा है? शेल अभी भी कौन सा मिडल? थर्ड शेल है. इसका मतलब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज नहीं होता. जब शेल नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन हर स्टेप पे क्या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा? बोलो बेटा. हो रहा है. ठीक है, तो आप कहते हैं शेल नंबर रिमेन सेम बट न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेटा सादिया समझ में आ रही है, इंक्रीजेस. जी सर. जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर, बोलो बेटा, पुल्ड विद मोर फोर्स बाय न्यूक्लियस विच कॉज देम टू कम क्लोजर. ठीक हो गया. तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल. हाँ नहीं हुमा? मुश्किल होगा भाई. खैरियत तो है, क्या मतलब कहाँ जाएंगे? सर खा रही है, इधर आओ, ये प्लेट में रख के आप खाने में जाया हो जाएगा. नहीं अच्छा है, बहुत बच्चे ने मंगवाया, शुक्रिया. अच्छा बेटा, ये तो हमें समझ में आ गया. इसका मतलब है पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? हाँ ना, बोलो भाई. बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए. आए आए, इसका ट्रेंड देखते हैं. अगर पीरियड में मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो मुझे उसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है. कुछ इस तरह. कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. अब आप देख रहे हैं कि ओवरऑल तो ये इंक्रीज ही हो रहा है. यस और नो? ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ नजर आ रहा है आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट पर. आ रहे नजर? कि आप देखें कि जब आप मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में, यानी ग्रुप टू से ग्रुप थ्री वाले एलिमेंट की तरफ गए हैं, तो बजाय वैल्यू बढ़ने के थोड़ा सा क्या हुई है? डिक्रीज हुई है. इसी तरह जब आप ग्रुप फाइव से ग्रुप सिक्स में गए हैं सल्फर पर, तो बजाय वैल्यू बढ़ने के कम हुई है. यस और नो? तो ये हमने उस वक्त भी पढ़ाया था, इसको हेडिंग अलग डाल लेते हैं, एक्सेप्शंस इन पीरियोडिक ट्रेंड फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. ये हेडिंग में ना सारा कुछ वाजे कर दिया मैंने कि ये एक्सेप्शन, एक तो नंबर वन सिर्फ पीरियोडिक ट्रेंड में है, ग्रुप में नहीं है. दूसरा, ये सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में है. क्या मतलब? ये जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की गेम हो रही है ना बेटा, मुझे बताना ये बात समझ में आई है नहीं. जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात है, ये एक्सेप्शन सिर्फ उसमें है. जब दूसरा या तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये एक्सेप्शन, बोलो भाई, नहीं होगी. ये बात याद रहेगी, ये एक्सेप्शन सिर्फ पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में. हाँ ना, बोल दो भाई. यस सर. यस सर. क्योंकि मुझे डर है कि जिस दिन एग्जामिनर ने तुमसे ये पीरियोडिक ट्रेंड का ग्राफ पूछ लिया, लेकिन उसने चुपके से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का जिक्र कर दिया, तुम गधेड़े ये बना के आ जाओगे. तुम्हें उस वक्त सर की बात याद
नहीं आएगी। मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा रिस्टार्ट करके एक्सेप्शन को समझते हैं।